हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस वीके स्टार्स। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम भारत की भूगर्भिक संरचना से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता तो आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। भारत में विद्यमान निम्नलिखित भूवैज्ञानिक संरचनाओं का प्राचीनतम से नवीनतम की ओर सही क्रम है डैश। सही आंसर है ऑप्शन डी। देखिए, भारत में विद्यमान भूवैज्ञानिक संरचनाओं का प्राचीन से नवीनतम क्रम है धारवाड़ और कुड़प्पा और विंध्यन और गोंडवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था, इसमें वर्तमान समय का निम्न भूभाग शामिल था। सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। देखिए, भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था, इसमें वर्तमान समय में भूभाग शामिल है दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोंडवाना क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, दामोदर घाटी में। देखिए, गोंडवाना चट्टान प्रणाली के स्थान झारखंड में दामोदर घाटी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में महानदी घाटी और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सबसे अच्छा उदाहरण है डैश। सही आंसर है ऑप्शन बी, चित्रदुर्ग और शिमोगा में। देखिए, धारवाड़ की उत्पत्ति कर्नाटक के धारवाड़ और शिमोगा जिले से हुआ है और यहाँ मुख्य रूप से धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं और यह आर्थिक दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण चट्टान है और देश के सभी धातुएं इसी चट्टानों की देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक कोयला किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, गोंडवाना लैंड में। देखिए, गोंडवाना चट्टानों के मुख्य क्षेत्र पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में क्रैम्बियन पूर्व यानी प्री कैम्ब्रियन महाकल्प की चट्टानें अधिकांशतः पाई जाती हैं डैश। सही आंसर है ऑप्शन सी, अरावली श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम कब प्रारंभ हुआ। सही आंसर है ऑप्शन बी, जुरैसिक युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। सही आंसर है ऑप्शन डी। देखिए, भारत में नवीनतम चट्टान प्रणाली है गोंडवाना लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारवाड़ समूह की चट्टानें पूर्णतः विकसित हुई हैं डैश। सही आंसर है ऑप्शन डी, पुरजीवी काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्राचीनतम समूह की चट्टान है डैश। सही आंसर है ऑप्शन बी, आर्कियन तंत्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है। सही आंसर है ऑप्शन ए, धारवाड़ तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी घाट पर्वत का निर्माण किस क्रम की चट्टानों से हुआ है। देखिए, पूर्वी घाट पर्वत की चट्टानों का निर्माण हुआ है कुड़प्पा तंत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत में कौन सा भूवैज्ञानिक काल पूर्णतः अदृष्ट है। सही आंसर है ऑप्शन सी, सेनोजोइक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोंडवाना लैंड का टूटना प्रारंभ हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन डी, जुरासिक युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय का निर्माण हुआ था। देखिए, हिमालय का निर्माण हुआ टेथिस सागर के वलन से। सही आंसर है ऑप्शन बी, हिमालय का निर्माण टेथिस सागर के वलन से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। सही आंसर है ऑप्शन सी, शिवालिक श्रेणी। देखिए, शिवालिक पर्वत श्रेणी यह नवीन पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय के किस भाग पर करेबा भू आकृति पाई जाती है। कश्मीर हिमालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय की श्रेणी में कौन प्राचीनतम है। सही आंसर है ऑप्शन ए,
वृहत हिमालय श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रविड़ समूह की चट्टानों में किसे शामिल किया जाता है? देखिए, द्रविड़ समूह की चट्टानों में शामिल किया जाता है उपरोक्त सभी, क्रैम्बियन और ओर्डोविसियन और सिलूरियन, ये तीनों द्रविड़ समूह की चट्टानों में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंडकारण्य प्रदेश स्थित नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। देखिए, दंडकारण्य प्रदेश यह मध्य प्रदेश में नहीं है, बाकी आंध्र प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में है। और दंडकारण्य, दंडक प्लस अरण्य यानी दंडक वन, यह प्राचीन भारत का एक क्षेत्र था और दंडकारण्य में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों कुछ हिस्से शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस प्राचीनतम लैंड का हिस्सा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, गोंडवाना लैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के भौतिक प्रदेशों में किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? सही आंसर है ऑप्शन सी। देखिए, भारत के भौतिक प्रदेशों में प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत का बेसाल्टी लावा प्रदेश है? सही आंसर है ऑप्शन बी, दक्कन का पठार। देखिए, दक्कन का पठार यह भारत का बेसाल्टी लावा प्रदेश है और यह महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तरी कर्नाटक और गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु हिमालय स्थित है मध्य में डैश? सही आंसर है ऑप्शन बी। देखिए, लघु हिमालय स्थित है मध्य में, शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है डैश? सही आंसर है ऑप्शन डी, सेनोजोइक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, गोंडवाना लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए, क्रिटेशियस युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोंडवाना का अंतिम विखंडन निम्नांकित के दौरान हुआ डैश? सही आंसर है ऑप्शन सी, तृतीयक अवधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरुपति पहाड़ियाँ किस युग में की चट्टाने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, कडप्पा क्रम की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच स्थित छिछले सागर को कहते थे? सही आंसर है ऑप्शन बी, टेथिस सागर। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है? देखिए, कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है कडप्पा चट्टानों में। सही आंसर है ऑप्शन बी, कडप्पा चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्कियन क्रम की चट्टानें अस्तित्व में आई डैश? सही आंसर है ऑप्शन बी। देखिए, आर्कियन क्रम की चट्टानें ये अस्तित्व में आई थी पृथ्वी के ठंड होने के फलस्वरूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रांत के एक जिले के नाम पर धारवाड़ चट्टानों का नामकरण हुआ? सही आंसर है ऑप्शन डी, कर्नाटक के जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के लाल किले का निर्माण लाल बलुआ पत्थरों से हुआ है, इन पत्थरों की उपलब्धता के लिए जानी जाती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, विंध्य क्रम की चट्टाने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोंडवाना क्रम की चट्टाने पाई जाती हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, दामोदर घाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रांत में दक्कन ट्रैप का विस्तार नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में दक्कन ट्रैप का विस्तार नहीं है, बाकी महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में, इन तीनों प्रदेश में दक्कन ट्रैप का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक जिले के नाम पर कडप्पा चट्टान का नामकरण हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की चट्टानों में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है? देखिए, चट्टानों में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है,
आर्कियन क्रम की चट्टानों में। सही आंसर है ऑप्शन ए, आर्कियन क्रम की चट्टानों में, क्योंकि यह पृथ्वी के ठंडा होने के बाद तुरंत निर्माण हुए थे। किस प्रकार की चट्टानों को आग्नेय रेबेदार चट्टान कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, आर्कियन क्रम की चट्टानों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन से कौन सी चट्टानें निर्मित हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुडप्पा क्रम की चट्टानों का अन्य नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। देखिए, कुडप्पा क्रम की चट्टानों का अन्य नाम है कायांतरित चट्टानें और द्वितीय अवसादी चट्टानें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा की प्राप्ति किस प्रकार की चट्टानों से होती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, विंध्य क्रम की चट्टानों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का 95% कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तलचर झरिया और सिंगरौली कोयला क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों के अंतर्गत आते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, गोंडवाना क्रम के चट्टानों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगरौली कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? देखिए, सिंगरौली कोयला क्षेत्र यह स्थित है आंध्र प्रदेश राज्य में। सही आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र व उसके आसपास के क्षेत्र में स्थित पठार को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, दक्कन ट्रैप। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्कन ट्रैप का ज़्यादातर हिस्सा किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, देखिए दक्कन ट्रैप का ज़्यादातर हिस्सा है महाराष्ट्र राज्य में। भारत में ज्वालामुखी क्रिया किस युग में हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, धारवाड़ युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, काठियावाड़ श्रेणी कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स यह क्वेश्चन आप सभी के लिए है, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।